AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने TV9 भारत वर्ष को हाल ही में एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और भाजपा समेत बाकी राजनीतिक पार्टियां सत्ते में आ गई हैं। असल में इस इंटरव्यू में ओवैसी ने राष्ट्रवाद पर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि भारत के अंदर कई भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर है और भारत जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है और देश के अंदर ये सब होना ही मेरे लिए राष्ट्रवाद है, लेकिन फिर भी मुझे लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एंटी नेशनल कहते हैं। वहीं ओवैसी साहब के इस धमाकेदार इंटरव्यू की वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तिरंगे की DP से मुझे कोई परेशानी नहीं है, तिरंगे लगाकर मोहब्बत का इजहार सही तरह से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि तिरंगे से मोहब्बत थी, है और रहेगी। तिरंगे से मोहब्बत दिल, किरदार और अमल में होनी चाहिए। तिरंगे से मोहब्बत कीजिए, DP लगाने से क्या होगा। आजादी की लड़ाई में सभी का योगदान है। ओवैसी ने आगे कहा कि आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हमें बांग्लादेश से तुलना करनी पड़ रही है। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर ओवैसी ने कहा कि पैसा नहीं है इसीलिए ये योजनाएं लाए। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरी PM बनने की सोच नहीं है, मेरा ख्वाब है भारत सबसे ताकतवर मुल्क बने। वहीं भारत के अंदर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर ओवैसी ने कहा कि ये सब भाषण देने से नहीं ठीक होगा, ये सब तब सही होगा जब हम अपने कानून को और मजबूत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के लिए ओवैसी ने कहा कि हम PM से यही कहना चाहेंगे, ये जो इतने फिट की ऊंचाई पर सेना अपनी सेवा दे रहे हैं उनसे जाकर मिलिए, बेरोजगारी को दूर करिए। वहीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्ष गांठ पर ओवैसी ने कहा कि इस अवसर पर हम यही पैगाम देना चाहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वह गुलसिता हमारा। वहीं ओवैसी साहब के इस बेबाक इंटरव्यू ने संघी गैंग को हिला कर रख दिया है और उन लोगों के मुंह को सिल दिया है जो ओवैसी साहब को एंटी नेशनल और भारत विरोधी बताते हैं। ओवैसी साहब का ये इंटरव्यू उन सभी कट्टरपंथी नेताओं और उनकी ओछी मानसिकता के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है जो मुसलमानों को भारत छोड़कर जाने की सलाह देते हैं। खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।